दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी सिंपल होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको तीन क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से मस्ट हैव क्रोम एक्सटेंशन है। तीन में से दो तो एक सिमिलर काम करते हैं, मतलब आप और एक जो है वो एक ट्रैफिक के लिए, तो एक है वेबसाइट ट्रैफिक चेक करने के लिए और दूसरा जो है वो रैंकिंग चेक करने के लिए। तो आप तीनों में से दो ही रख सकते हो। मैंने एक अल्टरनेटिव दिया है ट्रैफिक चेक करने का, दोनों सेम ही काम करते हैं, उसमें से आप एक रख सकते हो और एक यूज़ कर सकते हो आप जो वेबसाइट की रैंकिंग चेक करने के लिए। तो मस्ट हैव एक्सटेंशन है तो उसके बारे में आप बात करूंगा इस वीडियो में। बट अगर उससे पहले आप अभी तक टेकतदा फैमिली का पार्ट नहीं है तो भाई देर किस बात की, तुरंत वो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो। दोस्तों क्रोम के डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ऐप्स करके एक आइकन आ जाता है, या आप सीधे टाइप भी कर सकते हो वेब स्टोर करके सर्च बार में, तो आपको ये वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। तो ऐप्स में जाने के बाद सबसे पहला एप्लीकेशन है वेब स्टोर, उसको हम ओपन करेंगे। ये क्रोम वेब स्टोर है, यहाँ से आप क्रोम के जितने भी एक्सटेंशन है वो सब सारे के सारे डाउनलोड करके आपके क्रोम में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम लोग आ गए क्रोम वेब स्टोर में, तो अभी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। सबसे पहले मैं सर्च करूँगा VStat को, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। VStat एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो वेबसाइट पुरानी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर नई वेबसाइट रहती है तो उन पे कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, और जिन पे बस ट्रैफिक नहीं रहता है उनका डेटा यहाँ पे शो नहीं होता। तो अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आपको ज़रूर VStat जो है वो आपको बताएगा। अभी जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी ऐड टू क्रोम करके, बट मेरे यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे दिखा है एडेड करके, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मुझे ये देखो रिमूव फ्रॉम क्रोम का बटन आ गया, आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम का बटन आ जाएगा और आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोला है, लिरिक्स का वेबसाइट है ये, तो मैं भी इस पर चेक करता हूँ कि इसका ट्राफिक कितना है अगर मुझे चेक करना रहेगा। तो देखिए ये आइकन मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ कि इसमें आपको वो एक्सटेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे अगर ट्रैफिक रहेगा तो वहाँ पे ट्रैफिक रेड कलर में लिख के आता है बैच, जैसा कि यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है। अगर ट्रैफिक नहीं रहता है तो वहाँ करके ए नहीं आएगा। अगर साइट नहीं रहेगी और कुछ ट्रैफिक नहीं आता रहेगा, या पुरानी भी रहेगी और ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो वहाँ पे एन ए लिख के आएगा। दैट मीन्स वहाँ पे ट्रैफिक मेजरेबल ट्रैफिक नहीं है, ये काउंट नहीं कर सकते ट्रैफिक। तो जितनी भी बड़ी साइट्स हैं, पुरानी साइट हैं, उनका ट्रैफिक आ रहा है तो वो एक्सटेंशन आपको बताएगा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि ये लिरिक्स वेबसाइट पर आप देख सकते हो 1.32 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, और जिसका जो रिसेंटली ट्रैफिक हो वेबसाइट का बढ़ा है वो भी आपको ग्राफ में बताएगा। सेकंड एक्सटेंशन जो रहेगा वो है सिमिलर वेब, ये सिमिलर काम करता है VStat की तरह ही, और जो डेटा देता है वो थोड़ा ग्राफिकली अच्छा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट होता है डेटा। बट मैं VStat इसलिए प्रीफर करता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि आपको हर बार एक्सटेंशन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अभी भी आपको दिख रहा है ये बिलियन में ट्रैफिक दिख रहा है, ये गूगल का ट्रैफिक बता रहे हैं। तो सिमिलर वेब अभी देखिए पहला ही ऑप्शन आ गया मैंने सर्च करने के बाद, आप पहले ऑप्शन को ओपन कीजिए और ये ऑलरेडी मेरे पास एडेड है, तो यहाँ पे आपको वो एडेड बता रहा है। आपको ऐड करने के लिए ऐसा नीचे जैसा बटन दिख रहा है ऐड टू क्रोम वाला बटन आपको आ जाएगा, ऐड टू क्रोम कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा और तुरंत आपके इस पर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो अभी चेक करते हैं कि सिमिलर वेब कैसे काम करता है। देखिए ये अभी लोड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है सिमिलर वेब लोड होने पर। जो डेटा ये दिखाता है वो ग्राफिकली काफ़ी अच्छा दिखता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ग्लोबल रैंक बता रहा है, कंट्री रैंक बता रहा है, कैटेगरी रैंक बता रहा है, साथ ही साथ उसका ग्राफ भी बता रहा है। और नीचे आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड मैप दिखाता है, उसमें कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्रैफिक आता है, सर्च से आता है, डायरेक्ट से ट्रैफिक आता है, सोशल से आता है। सो काफ़ी अच्छा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट इसलिए मैं दोनों प्रीफर करता हूँ। अगर मुझे डिटेल में डेटा चेक करना रहता है तो मैं सिमिलर वेब यूज़ करता हूँ, और मुझे इंस्टेंटली मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो मैं VStat को प्रीफर करता हूँ, बिकॉज VStat मुझे ओवरऑल आइडिया देता है कि इतना नंबर ऑफ ट्रैफिक है।
दोस्तों तीसरा और लास्ट एक्सटेंशन इस वीडियो का है, वो है SEO क्विक, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सटेंशन है, क्योंकि SEO क्विक की मदद से आप जब भी कोई गूगल में सर्च करते हो कीवर्ड, तो आपको पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कौन से नंबर पे रैंक करती है, और ये काफ़ी सही है। अगर आपको चेक करना है आपकी वेबसाइट कितने नंबर पे रैंक करती है, तो आप मतलब डायरेक्टली आप नहीं चेक कर सकते, आप मतलब नंबर वाइज देख सकते हो कि कितने नंबर पे, जैसे कि अभी देख सकते हो आप कि नंबर 1 पे कौन सी है, 2 पे, हर एक लिस्टिंग को यहाँ पे रैंक दिया गया है, और इसकी मदद से आपको पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पे रैंक करती है। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो आप उसको लाइक कर दो, पसंद नहीं आई रहेगी तो डिसलाइक कर दो, और आप अगर तक टेक द फैमिली का पार्ट नहीं है तो भाई देर किस बात की, तुरंत वो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना, ताकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहीं आप मिस ना कर दो। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।